झारखंड में कृषि मंडी शुल्क के नए कानून को वापस करने की मांग को लेकर चास बोकारो में अनाज का व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया है। चास का कृषि बाजार समिति, सदर बाजार और साहू मार्केट की दुकानें बंद रही। वहीं व्यवसायियों ने डीसी कार्यालय के समक्ष धरना भी दिया। विधायक विरंची नारायण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। धरना में शामिल बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा कि सरकार से आग्रह है कि इस बिल को खत्म कर व्यवसायियों को राहत दे। मनोज जी, इनकी पूरी टीम, इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि बोकारो से आप विधायक बने। लगाया गया है उसके अगेंस्ट में हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और सरकार से और कृषि मंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस काला बिल जो 2% लगाया गया है उसको खत्म किया जाए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा और झारखंड के सारे व्यवसायी इसमें सम्मिलित हैं और ये आज से ये पूरा झारखंड में खाद्यान्न व्यवसायी, आलू व्यवसायी, फ्रूट व्यवसायी, जितने भी व्यवसायी हैं सारा आज से हम लोग बंद बैठे हैं और जब तक ये 2% का टैक्स नहीं हटाया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। झारखंड की सरकार ने जो 2% कृषि बिल के रूप में पारित कराकर लागू किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवसायियों को डराने के लिए, व्यवसायियों के साथ सरकारी अधिकारी के गुंडागर्दी करने के लिए और उनका दोहन करने के लिए। 1% टैक्स था जिसे भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार ने समाप्त करने का काम किया था, अब उसके बजाय ये 2% का ला रहे हैं तो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो व्यापारी विरोधी है, व्यवसायी विरोधी है। और आग्रह करता हूँ इस सरकार से, लगाया गया है